राजनगढ़ के डांडू गांव में मंत्री चंपाल सोरेन के निर्देश पर लगा नया ट्रांसफार्मर। झामुमो प्रखंड अध्यक्ष रामजीत हंसदा ने किया ट्रांसफार्मर का उद्घाटन। राजनगढ़ प्रखंड क्षेत्र के गोविंदपुर पंचायत अंतर्गत डांडू गांव में मंत्री चंपाल सोरेन के निर्देश पर बिजली विभाग ने नया ट्रांसफार्मर लगाया। शनिवार को झामुमो प्रखंड अध्यक्ष रामजीत उर्फ लालू हंसदा ने ट्रांसफार्मर का विधिवत फीता काटकर उद्घाटन किया। उद्घाटन के पूर्व रामजीत हंसदा का ग्रामीणों ने जोरदार ढंग से माला पहनाकर स्वागत किया। ज्ञात हो कि डांडू गांव में कुछ दिन पूर्व ही ट्रांसफार्मर खराब हो गया था। इसके बाद ग्रामीणों ने प्रखंड अध्यक्ष को ट्रांसफार्मर खराब होने की जानकारी दी। जानकारी मिलते ही उन्होंने स्थानीय विधायक मंत्री चंपाल सोरेन को समस्या से अवगत करवाया। मंत्री के निर्देश पर बिजली विभाग ने गांव में नया ट्रांसफार्मर लगाया, जिससे ग्रामीणों में खुशी की लहर दौड़ उठी। मौके पर रामजीत हंसदा ने कहा कि डांडू गांव के ग्रामीण काफी सजग हैं। जैसे ही गांव में ट्रांसफार्मर खराब हुआ, ग्रामीणों ने तत्काल इसकी सूचना दी। ट्रांसफार्मर लग जाने से अब ग्रामीण काफी राहत महसूस कर रहे हैं। ग्रामीणों ने मंत्री चंपाल सोरेन के प्रति आभार प्रकट किया। इस मौके पर वरुण रजक, लखिंदर लोहार, श्याम सुंदर टूडू, सागिन टूडू, सुखलाल लोहरा, ग्राम प्रधान भोला हेमराम, ग्राम प्रधान अशोक गोप, राजाराम सरदार आदि ग्रामीण उपस्थित रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, छोटानागपुर लाइव। लगभग एक सप्ताह से अधूरा था, लेकिन यहाँ का जनता बहुत जागरूक है। जैसे ही ट्रांसफार्मर खराब हो गई है, उसी के अनुसार हमको सूचना मिला और यहाँ के इस डांडू गांव के हमारे झारखंड कार्यकर्ता वरुण रजक हमको तुरंत सूचना दिया। और हमने जैसे हमको सूचना मिला, उसी आधार पर जो है ना, हम हाई कमान को हम आदेश दे दिया। तो उसके बाद जो है ना, आपको सप्ताह भर में ट्रांसफार्मर जो है ना इस गांव के लिए हम लोग उपलब्ध करा दिए हैं। यहाँ के ग्रामीण बहुत अच्छे हैं, यहाँ का हमको बहुत प्यार मिला। अब जब हम आए तो यहाँ जो है ना, हमको आदर बहुत सम्मान मिला और यहाँ किसी प्रकार का हमको ऐसे भेदभाव नहीं बुझा रहा। यहाँ जो है ना, हमारे आदमी लोग है और हम जब आज इसका जो है ना लाइन चालू करवा दिए हैं, तो यहाँ के ग्रामीण जो है बहुत खुश है। हमारे ही जन समर्थक है और यहाँ से हमको इलेक्शन में हमेशा जो है ना जनाधार मिलते रहता है। और यहाँ विशेषकर हम अरुण जी को बहुत बहुत हम धन्यवाद देते हैं। वो हमेशा जो है ना हमसे लिंक बनाए रखता है और हमेशा जो है यहाँ का समस्या से हमको जानकारी देते रहता है कि क्या है क्या नहीं। हम जो है ना उसका कहने अनुसार हम काम करते हैं। ट्रांसफार्मर खराब दिख रहा है। हाँ, ऐसे बहुत सारा ऐसे गांव सब में हमने मंत्री के माध्यम से हमने जो है ना उसमें लगवा दिए हैं। और इसके लिए जो ना मंत्री जी हमेशा एकदम सजग रहते हैं, बहुत चेतनशील व्यक्ति है। ऐसे यह सब में तुरंत जो है ना एक्शन ले लेते हैं। मैंने आपको जो है ना तुरंत बिजली विभाग को फ़ोन करते हैं और उसको टाइम टेबल देते, आपको इतना दिन में एकदम ट्रांसफार्मर पहुंचाना है, नहीं तो कार्रवाई किया जाएगा। राजनगर के जनताओं को क्या कुछ कहना चाहिए? राजनगर के जनता बहुत अच्छे हैं और कहीं भी अगर ऐसी कुछ समस्या आती है तो हमको सूचना मिलता है। और हम यही आशा करेंगे हमारा जनाधार जो है ना ग्राउंड धरातल में बना रहे, और ताकि हम जो हमारा रिलेशन आगे भी जो है ना भविष्य में इसको और मजबूती प्रदान करें। और अब अभी जो है ना इलेक्शन भी लगभग संसद वाला भी पहुंचने वाला है, लगभग एक साल है, उसके बाद फिर हम लोग विधानसभा है और हम धरातल में जो है ना इसको और जो है ना आदमी लोग को जोड़ने का काम करेंगे और अच्छा काम करेंगे और हम जनता लोग को जोड़ेंगे, ताकि जो है ना हमारे पार्टी को एनर्जी मिले और हम इन्हीं उम्मीद के साथ जो है ना आगे बढ़ेंगे। बहुत अच्छा लग रहा है। और हम लोग जैसे ही हमारा ट्रांसफार्मर गाँव का ख़राब हुआ, इसमें हम लोग का लगभग 152 कंज्यूमर है। हम लोग का 152 कंज्यूमर में हम लोग का पहले का जो ट्रांसफार्मर था वो 63 KV का था, जिसमें लोड ज़्यादा हो रही थी। शायद हम लोग को उसके बारे में उतना जानकारी नहीं है, लेकिन उसी कारण से अब ट्रांसफार्मर जल गया था तो हम लोग को बहुत परेशानी हो रहा था। इसकी जानकारी हम लोग वरुण जी के माध्यम से, रजक जी के माध्यम से हम लोग मंत्री जी को दिए। हम लोग का जो अभी कल्याण मंत्री श्री चंपाई सोरेन जी हैं, उनको हम लोग जानकारी दिए। और जैसे ही हमारी आवाज़ चंपाई सोरेन जी के पास पहुंचा, तो उन्होंने एकदम तुरंत इस पर एक्शन लेते हुए अपना कार्य किए और हमारे ग्रामवासी को 100 KV का ट्रांसफार्मर दिलाए। इसमें हम लोग ग्रामवासी बहुत खुश हैं। मंत्री जी को यही कहना चाहेंगे कि जब हमारा दुख दर्द वो सुन रहे हैं और देख रहे हैं और उसको निदान कर रहे हैं, तो हम ग्रामवासी भी उसका दुख दर्द और उसका सम्मान हम लोग इसी तरह हर 5 साल के बाद हम लोग उसका सम्मान करते रहेंगे। क्या नाम हो आपका? राजाराम सरदार।